एक चर्च में एक फादर प्रेयर गा रहे होते हैं, वो प्रेयर बहुत ही वेल रिटन और बहुत ही मीनिंगफुल होती है। तभी उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, वो भी बहुत प्यार और एक्साइटमेंट से वो प्रेयर गा रहा होता है। तो वो फादर बहुत हैरान होते हैं और उस बच्चे के पास जाकर पूछते हैं कि आप क्या गा रहे थे। तो बच्चा बहुत मस्ती के मूड में फादर को बोलता है, आप क्या गा रहे थे। फादर कहते हैं कि मैं तो प्रेयर गा रहा था। तो बच्चा कहता है, मैं भी प्रेयर गा रहा था। फादर कहते हैं कि आप इतने छोटे हो कि इतनी कॉम्प्लेक्स प्रेयर आपको आती है। तो बच्चा बहुत प्यार से उनकी तरफ देखकर बोलता है कि फादर, आपको ये प्रेयर आती है तो आपने ये गाकर अपने मन की बात गॉड तक पहुंचा दी। मुझे तो अभी स्कूल में सिर्फ ABCD सिखाई है, वो गाकर ही मैंने अपने मन की बात गॉड तक पहुंचा दी। गॉड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे अल्फाबेट्स को अपने आप प्रेयर में चेंज कर देंगे। ये सुनकर फादर उस बच्चे के प्रेम से और उसकी भावना से बहुत 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 इंस्पायर होता है। अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम दिस इज कि कई बार हम बहुत सारी टेक्निकलिटीज में उलझ जाते हैं कि मेडिटेट किस टाइम करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, किस पोजिशन में बैठ के करना चाहिए, किस जगह पर करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस भाव से मेडिटेट कर रहे हैं। जब हमारा मन सच्चा है और हमारे मन में वो इनोसेंस वाला प्रेम है परमात्मा के लिए, तो हमारे दिल की बात उन तक जरूर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति।